ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेजर टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं. दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, कितने परसेंट फिल्ट्रेशन होती है, क्या क्या सब्सटेंसेस आते हैं, उसको हम GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, उसकी डिटर्मिनेंट, उसकी रेगुलेशन, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज. ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, अब ये यूरिन फॉर्मेशन आपको पता है तीन स्टेप्स में हो रही है. ठीक है, सो जो उसका यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसको हम देखने जा रहे हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती क्या है, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होगा बच्चों. ये अगर हमारी क्या है जनरल सर्कुलेशन है और ब्लड आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्या होती हैं, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं और ये हमारे पास क्या है एफरेंट आर्टेरियोल्स. ये हमारे पास क्या होती हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स जो ब्लड को लेके आ रही हैं. ये क्या है एफरेंट आर्टेरियोल्स जो ब्लड को लेके जा रही हैं वापस. ठीक है बच्चों, यहाँ पर होनी है हमारे पास क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होनी है. नीचे हमारे पास किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन वो प्रेजेंट होगी. ठीक है, नेफ्रॉन के इस रीजन को हम क्या कहते हैं बोमेन कैप्सूल कहते हैं. बोमेन कैप्सूल के नीचे हमारे पास क्या होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, अभी हम इतनी बात करते हैं, बाकी के रीजन हम बाद में देखेंगे. यहाँ पे जब ब्लड आता है तो इस ब्लड में से कुछ परसेंट सब्सटेंसेस, कुछ परसेंट ब्लड सॉरी कुछ परसेंट वाटर, उसके अलावा कुछ परसेंट सॉल्यूट्स जो हैं वो एंटर करते हैं बोमेन कैप्सूल को इस फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि किसकी है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है. ये जितनी कंसंट्रेशन या जितनी अमाउंट हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होके आएगी ना, दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है बच्चों, ये तो मतलब थोड़ी सी बात होगी कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती कैसे और है क्या. अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है ये कितने परसेंट होती है. आपको पता है जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट हमारा पर मिनट दैट इज 5 लीटर पर मिनट. ठीक है, ओके, सो कार्डियक आउटपुट जो पर मिनट बच्चों होता है वो आपको पता है कितना होता है 5 लीटर पर मिनट. ठीक है, इस 5 लीटर में से ना ओनली 1 लीटर ब्लड जो है पर मिनट वो आता है किडनी की तरफ. ठीक है, 1 लीटर को अगर हम कह दें कि ये कितना है 1000 ml, ठीक है, लीटर को हम ml में चेंज कर दें तो एक ही बात है ना. अब इन 1000 ml में से जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है ना, ये 1000 ml है. इस 1000 ml में से भी ये ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेल्स में, ठीक है, और प्लाज्मा फ्लो. ठीक है, सेल्स और प्लाज्मा फ्लो. सेल्स को जो ब्लड मिलता है दैट इज 400 ml. ठीक है, और जो प्लाज्मा को मिलता है वो कितना होता है 600 ml. ठीक है, अब जो सेल्स को ब्लड मिलता है WBCs को या वो तो आपको पता है हमारे पास फिल्टर नहीं होते. ठीक है, यहाँ से अगर हम ब्लड देख रहे हैं दो पोर्शंस में, ठीक है, एक ब्लड किस ब्लड जो आ रहा है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेल्स की तरफ और एक इनको मिल रहा है प्लाज्मा को. ठीक है, जो सेल्स को मिल रहा है दैट इज 400 ml और वो डायरेक्ट जो है ऐसे ही चला जाएगा, उसने तो फिल्टर नहीं होना. जबकि प्लाज्मा को जो मिला है 600 ml, उसने उसमें से प्लाज्मा को जो 600 मिला है ना उसमें से ओनली 20% जो है वो फिल्टर होता है. दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. प्लाज्मा फ्लो का कितना 20%. अगर आप इस 600 का 20% निकालें ना बच्चों तो पर मिनट कितना निकलता है, ये 120 to 125 ml per minute. ठीक है, कितना निकलता है 125 ml per minute. सो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना है पर मिनट तो आप क्या बताएंगे 120 ml per minute. ठीक है, और अगर पर डे पूछा जाए इस मिनट को अगर हम क्या करें कितने होते हैं हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 हर आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, उसके साथ हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास बन जाता है 180 लीटर पर मिनट. ठीक है, कितना बन जाता है 180 लीटर पर डे हमारा क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है. इसमें से आपने ये याद रखना है इस 180 में से ओनली 1 लीटर आपकी बॉडी में से डेली क्या हो रहा है एक्सक्रीट हो रहा है, जबकि 179 लीटर जो है बॉडी इसको क्या कर लेती है रीअब्सॉर्ब करती है एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलियन कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि रीअब्सॉर्प्शन किस तरह से होती है. यहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन हो रहा है ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का. कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है प्लाज्मा फ्लो के 20% प्लाज्मा फ्लो का कितना बनता है 120 to 125 ml per minute और अगर हम पर डे की बात करेंगे तो दैट इज राउंड अबाउट 180 liter per day. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगी बात कि हमारे पास जो GFR है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट वो कितना है 125 ml per minute और 180 liter per day. ठीक है बच्चों, ये एक पहली बात हो गई यहाँ पे. अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि यहाँ पर चलो 125 ml
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया, लेकिन इस फिल्ट्रेट के अंदर चीज़ें कौन सी हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो आपको पता है इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं जो बॉडी को ज़रूरत होती हैं और बॉडी उनको यहाँ पर दोबारा रीअब्सॉर्ब करेगी। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें, अच्छा तो कॉम्पोजिशन में ना मैं आपको वो दोनों चीज़ें बताऊंगी जो फिल्टर हो भी जाती हैं और जो फिल्टर नहीं भी होती, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अच्छा ऐसी चीज़ें बता दें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट नहीं होती और इस मेम्ब्रेन से जो है वो फिल्टर नहीं होती, ठीक है। इस मेम्ब्रेन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा पहले हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो फिल्टर हो जाती हैं और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट है यानी उसकी कॉम्पोजिशन है। सबसे मेजर आपको पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता ही क्या है, वाटर, ठीक है। और वाटर के पीछे हमारे पास जो है वो सबसे जी हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर, ठीक है। अब वाटर को फॉलो करते हुए आपको पता है क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जहाँ वाटर जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, जहाँ वाटर वहाँ सोडियम, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, एनाइंस भी होते हैं, कैटाइंस भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस भी, पॉजिटिव आइंस भी आते हैं मूव करके और नेगेटिव भी आते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, कैटाइंस की बात करें, सबसे मेजर आपने याद रखना है क्या होता है हमारे पास, सोडियम, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, पोटाशियम, उसके अलावा क्या आता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी, ठीक है। कैल्शियम के लिए स्पेसिफिकली आपने बात याद रखनी है, ये 50% फिल्टर होता है और 50% फिल्टर नहीं होता। 50% ये फिल्टर क्यों नहीं होता ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा हमारे पास एनाइंस होते हैं, एनाइंस में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं और मैं आपको बताया मेजरली हमारे पास क्लोराइड्स हैं, बायकार्बोनेट आइंस आते हैं, ठीक है। ये कुछ आता है, एक हमारे पास वाटर फिल्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फिल्टर होते हैं। ना सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं बल्कि ये बॉडी से एक्सक्रीट भी होते हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ये ना सिर्फ फिल्टर होते हैं बल्कि एक्सक्रीट भी होते हैं, जबकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट तक रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट में आपको पता है मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्रिएटिनिन फ्रॉम क्रिएटिनिन, ठीक है। उसके अलावा अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, यूरिया, ये है। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स बॉडी के अंदर हैं वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट होते हैं। सो हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, आपको पता है ग्लूकोज है और ये 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ये आपने बात याद रखनी है। अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स भी 100% जो है फिल्टर तो होते हैं लेकिन ये 100% बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये बॉडी में से एक्सक्रीट होते हैं, जैसा कि डायबिटीज़, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स तो वैसे फिल्टर नहीं होते लेकिन कुछ लो मॉलिक्यूल वेट प्रोटीन्स होती हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती हैं जो फिल्टर हो जाती हैं और इनकी एक एग्जांपल है इंसुलिन, ठीक है। इनकी एक एग्जांपल है इंसुलिन। सो ये वो चीज़ें होंगी बच्चों जो हमारे पास क्या हो जाती हैं, फिल्टर होती हैं। सॉरी पता नहीं मैं कैसे लिखती रही आपको नजर आया या नहीं, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास क्या है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में से फिल्टर होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट होती हैं। इनमें आता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटाइन, एनाइन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 50%, एनाइन्स जैसे कि क्लोराइड, बायकार्बोनेट आयन, मेटाबॉलिक वेस्टेज, मेटाबोलाइट, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स जैसे कि इंसुलिन। अब मैं आपको वो वाली चीज़ें बताऊंगी जो मेटाबॉलिक फिल्ट्रेट का पार्ट नहीं होती, जो फिल्टर नहीं होती। सबसे पहले एक मेजर चीज़ जो फिल्टर नहीं होती वो आपने याद रखनी है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कभी भी नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में फिल्टर नहीं होते। फिर ऐसी चीज़ें जो इन प्रोटीन्स के साथ बाउंड होंगी, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटीन के साथ बाउंडेड होंगे वो भी तो जाहिर सी बात है फिल्टर नहीं होंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटीन के साथ बाउंड हुई भी होती हैं और वो फिल्टर नहीं होती, तो दैट इज़ 50% कैल्शियम। मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि 50% कैल्शियम फिल्टर हो जाता है लेकिन रिमेनिंग 50% क्योंकि वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है तो वो हमारे पास रीअब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है। इसी तरह फैटी एसिड्स भी जो हैं प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं वो भी फिल्टर नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो है बिलिरुबिन जो एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन का, वो भी मोस्टली देखा गया है कि फिल्टर नहीं होता, ठीक है। सो ये ऐसी चीजें हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में से फिल्टर नहीं होंगी, ये आपने याद रखनी है। कॉम्पोजिशन की हमने बात कर ली है, अब हमने एक चीज आपने याद रखनी है हमारे पास के चलें वो हम आगे देखेंगे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वगैरह क्या होती हैं। अभी हमने अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन हम GFR और GFR के डिटर्मिनेंट से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी है
उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, एक तो सबसे पहले आपने याद रखनी है कि इसकी मेन तीन लेयर्स होती हैं, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसकी तीन लेयर्स होती हैं. उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है, एंडोथीलियम की लेयर होती है, एक एंडोथीलियम लेयर होती है. देन हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है और फिर हमारे पास उसको कवर, बेसमेंट मेम्ब्रेन को किसने किया होता है, एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर ने. ये तीन मेम्ब्रेन्स आती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी में. जो एपिथेलियम है इसका ये करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखना है कि इसमें होल्स होते हैं जिन्हें हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि हमने देखे थे उसके अंदर लिवर में फेनेस्ट्रास हमने पढ़े थे. ठीक है, होल्स होते हैं. ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा परमीएबल होती है वाटर के लिए और सॉल्यूट्स के लिए. ठीक है, वाटर प्लस सॉल्यूट के लिए ये परमीएबल होती है. ठीक है, इसमें से हमारे पास कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन जो है वो सिक्रीट होते रहते हैं इसमें. सॉरी, इसके कॉम्पोजिशन में आपके पास क्या होते हैं, कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन. ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है कि ये जो प्रोटीओग्लाइकन होते हैं ना, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल कर देता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को. दैट्स वाई प्रोटीन्स जो हैं इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में से फिल्टर नहीं होते, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या है, प्रोटीओग्लाइकन्स, एंड प्रोटीओग्लाइकन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. प्रोटीन्स में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. तो ये इसको क्या कर देते हैं, रिपेल. देन जो एपिथीलियल सेल्स वाली लेयर है इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें इस तरह फुट लाइक जो है प्रोसेसेस होते हैं. इन फुट लाइक प्रोसेसेस को बोलते हैं पूडोसाइट्स. ठीक है, पूडोसाइट्स बोलते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे स्लिट पोर्स होते हैं. इन स्लिट पोर्स में से हमारे पास क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है. एंड देन अगेन इन स्लिट पोर्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स को रिपेल करते हैं. और आप देख सकते हैं कि तीनों मेम्ब्रेन्स जो हैं इन होल्स में भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो भी फिल्टर नहीं होने देती है. ये होल्स छोटे ही होते हैं एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ प्रोटीन. तो तीनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेपरेटली क्या करती हैं, प्रोटीन की फिल्ट्रेशन को इनहिबिट कर रही हैं, रोक रही हैं, रिपेल कर रही हैं बाय हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो प्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी सूरत इनमें से पास नहीं हो सकते. ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो गाइटन है इसमें उसने हमें एक दो बातें और एक्स्ट्रा बताई हुई हैं. उनमें ये है, जो फिल्ट्रेशन हो रही है ना, एक बात आपने ये याद रखनी है कि फिल्ट्रेबिलिटी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज. जितना साइज बड़ा होगा किसी चीज़ का उतनी फिल्टरेबिलिटी कम होगी. ठीक है, और इसके लिहाज से टेबल उसने दिया हुआ, उसने कुछ मॉलिक्यूल्स की फिल्टरेबिलिटी शो की हुई है. जिस मॉलिक्यूल की फिल्टरेबिलिटी 1 है इसका मतलब है वो एज फ्रीली वहां से फिल्टर हो जाएंगे एज वाटर. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स की जो फिल्टरेबिलिटी है वो दी हुई है 0.75. ठीक है, और इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, 75% तक उस तरह से मूव करके जाएंगे कि जिस तरह से वाटर और जूनू साइज बढ़ता जाएगा. अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी फिल्टरेबिलिटी जो है वो मोस्टली निल है, वो वहां से फिल्टर नहीं हो सकती. सो जो फिल्टरिंग पावर है या फिल्टरेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के. जितना साइज बड़ा होगा उतनी फिल्ट्रेशन पावर कम होगी. एंड दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस होंगे या कोई भी सॉल्यूट्स होंगे, वो जाहिर सी बात है क्योंकि नेगेटिव होता है, यहाँ पे फिल्टरेबल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसको इनहिबिट करेंगे. तो नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्यूट या नेगेटिव चार्ज वाले आइंस या सब्सटेंसेस जो है वहां से इजीली पास नहीं कर सकेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज आइंस या न्यूट्रल आइंस जो हैं इजीली पास कर जाएंगे. ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है. ये आपने याद रखना है कि ये प्लाज्मा फ्लो का 20% होता है, दैट इज 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे. देन इसकी कॉम्पोजिशन देखनी थी, इसकी कॉम्पोजिशन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबोलाइट्स, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं. जो चीज़ें नहीं इसमें फिल्टर होती हैं दैट दे आर प्रोटीन्स, और इसके रिलेटेड कोई चीज़ें जो इसके साथ बाउंड की होती हैं वो वहाँ से नहीं गुजरती. ग्लोमेरुलर कैपिलरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें एंडोथेलियम लेयर होती है, बेसमेंट लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, इस फर्स्ट लेयर में होल्स हैं, सेकेंड के पास प्रोटीओग्लाइकन एंड कोलेजन हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो प्रोटीन को रिपेल करते हैं, थर्ड एपिथेलियल सेल की एक लेयर है उसमें भी पूडोसाइट्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो प्रोटीन की फिल्ट्रेशन को इनहिबिट करते हैं. देन हमारे पास क्या है, उसके पास कुछ फुट लाइक प्रोसेसेस भी होते हैं और स्लिट पोर्स भी होते हैं. ठीक है, फिर एक बात आपने याद रखनी है कि फिल्टरेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड नेगेटिव चार्ज सॉल्यूट एंड सब्सटेंसेस जो है वो इजिली फिल्टर नहीं हो सकेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल वाली जो चीज़ें हैं वो फिल्टर हो जाएंगी. अब हम आ चुके हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड इट्स डिटर्मिनेंट. बच्चों सिंपल सी एक बात याद रखना कि यहाँ पर ना हमेशा हमेशा अगर आपका कोई चाहने वाला है, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मतलब आपको आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग भी होंगे. ठीक है, तो नेचुरली भी हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी सपोर्टर्स होते हैं या कहीं पे भी कोई चीज़